खेती संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आप भविष्य में आने वाली वीडियो भी देख पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, एसटीआर खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल यानी शराब की, क्या हम अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने आज तक इस पर कोई परीक्षण के तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं कि शराब का स्प्रे करने से फसल को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि किसानों की माने और किसानों के अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रयोग के बारे में जाने तो दोस्तों, किसानों ने अलग अलग फसलों में, जैसे जीरे की फसल में भी बहुत से किसान भाइयों ने जो राजस्थान में जीरे की खेती करते हैं, उन्होंने शराब का अपनी फसल में स्प्रे किया। और बिहार में भी काफ़ी किसान भाई इसका अन्य फसलों पर भी लगातार स्प्रे करके लाभ लेते रहे हैं। इसी बात को लेकर के किसान दोस्तों, हमने भी पिछले वर्ष जब गन्ने की बुआई की थी तो गन्ने की सह फसली के रूप में हमने उड़द भी लिया था, जिसमें हमने परीक्षण के तौर पर अल्कोहल को स्प्रे किया। हमने कौन कौन सी चीज़ ली दोस्तों, वो भी हम डिटेल से यहाँ पर बता देते हैं। तो हमने जब स्प्रे किया था तो हमने लिया था एक एकड़ के लिए मात्र 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड, और उसके साथ में हमने लिया था कैल्शियम नाइट्रेट जो 1 किलोग्राम मात्रा हमने ली थी, और उसके साथ हमने लिया था 180 ml की एक बोतल जो है शराब। तो इन तीनों को हमने मिलाया था और तीनों का स्प्रे हमने एक एकड़ फसल में किया था। अब दोस्तों, यदि रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट में बहुत अच्छे हमको रिजल्ट देखने को मिले। उड़द की फसल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और गन्ने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। गन्ने में जब हमने इसका स्प्रे किया तो गन्ने में टेलरिंग अधिक हुई, अधिक गन्ने का विकास हुआ, और उड़द में भी यही स्थितियाँ बनी रहीं। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है यदि हम अल्कोहल यानी शराब को अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो जो पौधों का तनाव होता है, तनाव दूर हो जाता है, और तनाव कम हो जाने के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित होना चालू हो जाता है। बाकी दोस्तों, जो साथ में हमने स्प्रे किया है तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिला। अब दोस्तों, इसको हम बता देते हैं आप किस किस के साथ स्प्रे कर सकते हैं, यानी कीटनाशक के साथ दोस्तों आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और किसी उर्वरक के भी साथ इसका स्प्रे कर सकते हैं, चाहें तो 1919-1909-34 साथ भी इसका मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी कीटनाशक हो उसमें भी आप मिला करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। गेहूं में दोस्तों हमने इसका स्प्रे नहीं किया है, लेकिन जब अन्य फसलों में इसका स्प्रे करने से लाभ है तो गेहूं की फसल में भी आप इसका स्प्रे करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जब फूल की अवस्था में हो तब भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब फूल की अवस्था से जब भराव की अवस्था में, यानी कोई फसल ऐसी है जिसमें दाने का भराव हो रहा है, तो उस समय इसका स्प्रे करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आप जब फसल आपकी 20 से 21 दिन की हो गई, उसके बाद से फूल की अवस्था तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा इससे ले सकते हैं। आप ये जब इसका स्प्रे करेंगे तो आपको किसी अन्य ग्रोथ प्रोमोटर की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप ग्रोथ प्रोमोटर का स्प्रे भी करते हैं तो काफ़ी कम मात्रा में मिलाकर के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। और उर्वरकों की बात की जाए तो उर्वरकें आप जितनी सेम करते हैं उतनी ही आपको स्प्रे करनी है। कुछ हद तक ये कीट कुछ ऐसे होते हैं जिन पर स्प्रे करने से लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत सी बीमारियों पर ये रोकने का सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियों को रोकने की ये क्षमता रखता है। बहुत से कीट ऐसे हैं जिन पर आप इसका स्प्रे करने से नियंत्रित कर सकते हैं। तो यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो अपनी फसल में 2 बार से ऊपर स्प्रे मत करें, क्योंकि 2 बार से यदि ऊपर स्प्रे कर सकते हैं तो हो सकता है आपकी फसल को नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आप भी इस अल्कोहल यानी शराब का स्प्रे अपनी फसल में करते हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, आप किस पर जानकारी चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।